जैसे तहरीक इंसाफ के दौर में एमक्यूएम के बारे में तासुर था कि ये मिस कॉल मैनेजमेंट है, कॉल पे मैनेज होती है। अगरचे अब जो सूरत हाल है तो वो अब कॉल के बगैर मैनेजमेंट हो रही है। मैनेजमेंट अभी भी हो रही है, पहले कॉल पे हो रही थी, अब जो है वो बगैर कॉल पे हो रही है। अभी एमक्यूएम की जो लीडरशिप है उसको सोचना होगा कि उसकी जो हैसियत है वो एक बादशाह घर की हैसियत है। जो साबका हुकूमत गिरी, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं कि वो एमक्यूएम के वोटों से गिरी, और जो मौजूदा हुकूमत बनी इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं कि वो एमक्यूएम के वोटों से बनी। वो कलीदी रोल जो है उसमें एमक्यूएम का था, लेकिन जो एमक्यूएम को डील किया गया, चाहे वो तहरीक इंसाफ का दौर हो या मुस्लिम लीग का और इत्यादि जमातों का दौर हो, उसमें एक नाकारा और बेमसरफ पत्थर के तौर पे है, नाकारा सामान के तौर पे जो है वो एमकेएम को जो है वो डील किया जा रहा है। जो माहिदा हुआ वफाकी हुकूमत से या मुस्लिम लीग से या सूबाई हुकूमत से, अगर उन माहिदों को देखें, उनको पढ़ें, तो कोई भी एक नुकता उसमें ऐसा नहीं निकलता जिस पर जहाँ वफाकी हुकूमत ने अमल दरामद किया हो ना सूबाई हुकूमत ने अमल दरामद किया हो। लेकिन उसके सामने जो एमकेएम का रिएक्शन है वो हमें बहुत जो है वो कमजोर नजर आता है। तो एमकेएम को ये देखना होगा, एमकेएम को अपना एहतसाब पहले खुद करना होगा, आखिर वो कौन सी वजूहत हैं कि वो इतनी ताकतवर पोजीशन रखने के बावजूद भी, एक बादशाह घर की हैसियत रखने के बावजूद भी जो है वो इतनी कमजोर पिच पर क्यों है, उसकी जो बैटिंग लाइन है वो क्या वजूहत है कि वो आगे बढ़ बढ़ के शॉट नहीं खेल सकती, वो कौन सी ऐसी एमकेएम की कमजोरियां हैं जिसका सामने वाली जो ताकतें हैं या सियासी जमातें हैं वो फायदा उठाती हैं, या उनकी बुनियाद पे जो है वो एमकेएम को, हम अगर बहुत ही मोहताद लफ्जों का इस्तेमाल करें तो उनको ब्लैकमेल करती है। तो ये एमकेएम को खुद एक खुद एहतसाबी के अमल से अपने आप को जो है वो गुजारना होगा, क्योंकि इस वक्त जो एमकेएम के साथ हो रहा है या जो जो तहरीक इंसाफ का जो दौर था वो तो एमकेएम के हवाले से सबके सामने था, फिर मौजूदा दौर में भी, तो एमकेएम को इसकी प्राइस पे करनी पड़ रही है। एमकेएम को उसकी प्राइस जो है वो अपने वोटरों की और कारकुनों की शक्ल में सिर्फ शर्मिंदगी की सूरत में पेश नहीं करनी पड़ रही। अभी जो लांडी का जो इलेक्शन हुआ तो वो इलेक्शन सामने जिस तरह एमकेएम जो है वो 60-65 वोटों से वो इलेक्शन जीती है, कि जीत कर भी जो है वो अपनी खुशी का जो है जश्न जो है वो नहीं मना पा रही है। ठीक है, जीत जो है वो जीत होती है, चाहे वो 60 वोटों से हो या 60,000 वोटों से हो या वो 2 वोटों से हो, लेकिन जिस जिस नशिस्त पर एमकेएम ने 60,000 वोट लिए थे और 2018 में, और सेकंड पोजीशन वाले के 30,000 वोट थे, 30,000 वोटों की मार्जिन से एमकेएम जीती थी, लेकिन आज वो उसके अपने मजमुई वोट भी कम हो गए और जीतने वाले में और हारने वाले में, नंबर टू आने वाले में जो है वो 50 से 60 वोटों का जो है वो फर्क रह गया। ठीक, एक महीने के बाद जो है बल्दियाती इलेक्शन है, फिर उसके 3 दिन के बाद जो है कराची में एक अहम नशिस्त पर जो है आमिर लियाकत की सीट खाली हुई है, उस पर एक जमनी इलेक्शन होने जा रहा है। तो ये एमकेएम के लिए बहुत फैसले का वक्त है, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन तलाश करना पड़ेगा। अगर एमकेएम ने आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन तलाश नहीं किया तो उसकी कीमत, वो जहनी तौर पे इस बात के लिए तैयार रहे कि उसको बल्दियाती इलेक्शन में भी इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, और जो जमनी इलेक्शन है 27 जुलाई को उसमें भी उसको कीमत उसकी अदा करनी पड़ेगी।